नमस्कार। हृदय की बात 112। अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। तीन चार कहानियाँ सुनाई, अच्छी लगी ना? तो ऐसे ही कुछ नया सुनाते हैं आज। सिद्धि और शक्ति, उसकी वजह से जो शक्ति मिलती है, उसके लिए जो संत महात्मा होते थे वो मना करते हैं कि योग साधना करने से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हो सकती है, मिल सकती है। लेकिन उससे क्या होता है कि साधक जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो सकता है। सिद्धियों के कारण साधक को अहम भाव उसका बढ़ता है और ये सिद्धियाँ जो है वो आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो जिनको सच्चा गुरु नहीं मिलता वे इस प्रकार की सिद्धियों में फंस जा कर के और मोक्ष से दूर हो जाते हैं। एक ऐसी ही हंसने वाली कहानी है। नदी के किनारे एक संत और एक योगी ऐसे इकट्ठा हो गए। वहाँ पर नाव नहीं थी, सामने किनारे गई थी तो वो आने के लिए रुकना पड़ेगा। तो योगी ने कहा कि मैंने पिछले 12 सालों से ऐसी तपश्चर्या की है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है कि मैं अब पानी पे भी चल करके जा सकता हूँ। तो मैं अभी चल करके जाता हूँ, वो नाव वाला जो है वो आएगा कब हमें ले जाएगा, उसके बदले मैं तो चलने लगता हूँ। ऐसा करके वो चलते चलते सामने चला गया। जो संत था वो वहाँ रुका हुआ था। वो नाव वाला केवट आया, इनको नाव में अपने बिठाया संत को, और उनको नदी फिर से पार कर दी। सामने जाकर के दोनों फिर से मिले, संत और वो योगी। तो योगी ने फिर से अपने सिद्धि का जो मद होता है ना, उसमें कहा कि देखा मैं कैसे के पानी के ऊपर चल के आया, देखा ये मेरी कैसी सिद्धि है, 12 साल तक तपश्चर्या करके ये मैंने पाया है। तो केवट जो था ना वो हंसने लगा। उसने हंसते हंसते कहा कि ये सिद्धि की कीमत क्या है, मूल्य क्या है इसका? 4 आना। ये संत ने मुझे 4 आना देकर के ये नदी पार की है। तो 12 साल आपने क्या किया? आपने सिर्फ 4 आने के लिए 12 साल अपनी तपश्चर्या की? लेकिन उसका जो मद है, उसका जो अहंकार है, वही तकलीफ देता है। आध्यात्मिक मार्ग में विकास में वही बाधा बनता है। तो इसलिए कोई सिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए कभी भी। जिनको ये मालूम है तो उन्होंने सिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए।